जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पीपीपी की समस्या का समाधान शिविर में आपका ऑन द स्पॉट, यानी कि ऑन द स्पॉट का मतलब आप समझते होंगे, उसी टाइम पर निवारण किया जाएगा। दोस्तों इनकम आपकी उसी वक्त ऑन द स्पॉट सही की जाएगी। देखिए प्रदेश में लगातार 3 दिन हो चुके हैं, 22, 23 और 24, यानी कि ये दोस्तों 22 तारीख से लग रहा है कैंप, यानी कि समाधान शिविर। लोगों की बढ़ी हुई उम्मीद आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है। 3 दिनों में हजारों की संख्या में लोग समाधान शिविरों में पहुंच चुके हैं। इनमें से 878 जो समस्याएं थी मौके पर ही दोस्तों समाधान किया है, मौके पर दोस्तों। तो DPR ने ये, अब देखिए प्रदेश के 22 जिलों में 3 दिन से 1616 लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर समाधान शिविर में पहुंचे हैं। 1616 दोस्तों, इनमें से 574 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया है। तीसरे दिन की लंबित रही समस्याओं के समाधान बारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जो कि दिए जा चुके हैं। शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया गया है। पूरे प्रदेश में हर दिन आने वाली लगभग 30% समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी क्यों देर कर रहे हैं, ये 3 से 4 जितने भी DPR के हमने एक ही दिन हुआ है, इनको हमने आपको दिखा दिया है कि आप सभी, अगर समस्या है आपकी भी PPP से, तो आप भी BDO कार्यालय, अगर आप विलेज से हैं तो BDO कार्यालय में, अगर आप शहर से हैं तो MC म्युनिसिपल कमेटी में विजिट कीजिए, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DC ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। समाधान शिविर आपके लिए स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, और दोस्तों मौके पर ही आपकी इनकम, मौके पर ही आपकी ऑक्यूपेशन, मौके पर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर कोई पेंशन की प्रॉब्लम है, कोई भी आपको योजना से रिलेटेड 1,80,000 से नीचे इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी अपनी समस्या को समाधान शिविर में दर्ज करवा सकते हैं। अगर मौके पर समाधान हो गया तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही आपने देना है, आपके जहां पर आप जाएंगे दोस्तों वहां पर टाइपिस्ट से, किसी भी टाइपिस्ट से मिल लीजिएगा। आपके टाइपिस्ट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, जिस पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों खुद के मुखिया के सिग्नेचर आपने करने हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी, अगर आप कुछ गलत करेंगे हरियाणा सरकार उसके विरुद्ध एक्शन भी ले सकती है आने वाले टाइम में। इसीलिए सोच समझ के कीजिएगा अगर आपकी इनकम वगैरह भी कम करनी है। तो दोस्तों जाते जाते यहाँ पर 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी आयोजन होगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। पधारिएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और समस्या क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है तो हम भी आपकी समस्या का समाधान करने की फुल कोशिश करेंगे, और नहीं तो दोस्तों आपके समाधान शिविर का एड्रेस आपको कमेंट में हम देंगे, जहां पर भी जो कैंप है आपका पर्टिकुलर उसी स्थान पर, उसी स्थान का पता आपको देंगे, डायरेक्ट आप वहां पे विजिट कीजिएगा और आप भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी आम जन समस्या उनकी भी है, किसी की भी है, उनको भी पता चले और वो भी अपनी समस्या को दर्ज करवा के आ सकते हैं, और विद इन वीक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हो सका तो मौके पर ही हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में आई हुई राइट साइड में ये वीडियो पर क्लिक करके वॉच कर लीजिए, और जाते जाते सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।